एक बुलेरो गाड़ी सहित 7 पेटी प्लेन शराब तथा 23 पेटी बियर अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के निर्देशन में एवं SDOP करैरा संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में आज 2 जून की रात्रि में कस्बा भ्रमण के दौरान थाना करैरा पुलिस को मुखबरी द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति बुलेरो गाड़ी से झांसी की तरफ से ग्राम टीला की तरफ अवैध शराब का परिवहन करके ले जा रहा था। मुखबरी की सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स की मदद से टीला तिराहे पर बुलेरो वाहन को रोककर चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम माया शिव पुत्र द्वारिका प्रसाद राय, उम्र 26 वर्षीय निवासी ग्राम टीला थाना करैरा जिला शिवपुरी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से बुलेरो में 7 पेटी देशी प्लेन मदिरा, कुल 350 क्वार्टर, 63 लीटर कीमती 35,000 रुपये तथा 23 पेटी बोल्ट कंपनी की बियर, 552 कैन, कुल 276 लीटर कीमती 1,15,000 रुपये तथा बुलेरो कुल माल मशरूका 5,50,000 रुपये जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध द्वारा 34/2 आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 323/23 पंजीकृत किया गया है। आरोपी से जब्त शुदा शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला का महाशिव राय अपने लाल बुलेरो में अवैध रूप से शराब भरकर गांव तरफ ले जाने वाला है। उप सूचना पर से टीला रोड पर दर्ज की गई तो आरोपी अपने बुलेरो गाड़ी में 30 पेटी शराब पर खड़ा रहा था, जिसमें चेक किया गया तो 7 पेटी देसी ब्रांड शराब की थी, 23 पेटी बियर की थी, कुल 1.5 लाख रुपये की शराब थी तथा एक बुलेरो जब्त की गई है। कुल कीमत 5,50,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34 लोग की कार्रवाई की गई है। आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में जिसके सप्लायर हैं, जो सप्लाई करते हैं या गांव में जब तक डाल रहे हैं, उनके संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।